हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मेरे कई व्यूअर्स हैं जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक क्लीनिंग का वीडियो बनाऊं, तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरा मॉर्निंग में क्लीनिंग रूटीन क्या होता है, कैसे करती हूँ मैं क्लीनिंग। तो कल रात को इतनी भयंकर आंधी आई थी बहुत ज़्यादा, जिससे पूरे घर में ना रेत ही रेत इतना रेत इकट्ठा हो गया था, जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। तो ये तो अंदर से निकला था, बाहर वाली साइड मैंने झाड़ू लगा दी थी और उधर पोचा भी लगा दिया था मैंने ग्रिल वाली साइड। तो ये अंदर का था, इतना सारा रेत था, इतनी सारी मिट्टी थी, मतलब जहाँ पर भी हम हाथ लगा रहे थे ना, वहीं पे ही मिट्टी ही मिट्टी। तो बस मैं अपना, मुझे बहुत टाइम लगने वाला था आज क्लीनिंग करने में, तो क्योंकि सारी चीज़ें हटा हटा के तब अच्छे से झाड़ू लगानी पड़ेगी, हर जगह रेत ही रेत था। तो डीप क्लीनिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे क्लीनिंग तो हम देखिए डेली ही करते हैं, क्योंकि आजकल तो धूल मिट्टी डेली ही आती है, गर्मियों में तो सफाई का काम ज़्यादा होता ही है। लेकिन जब कोई ख़ास दिन, मतलब ख़ास उस पे ही वीक में एक बार या दो बार हम डीप क्लीनिंग करते हैं पूरे घर की, और रेत देख रहे हो आप कितना सारा रेत ये अंदर से निकला है, क्योंकि गेट खिड़की दरवाजे भी नहीं बंद कर सकते, गर्मी इतनी भयंकर होती है, तो गर्मियों की वजह से दरवाजे भी नहीं बंद कर सकते। तो झाड़ू मेरी लग चुकी थी, अब मैं जुट गई हूँ ये वाश बेसिन वगैरह साफ़ करने के लिए, और उसके बाद डस्टिंग करूँगी पूरे घर में। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं पोचा लगाऊंगी। तो डस्टिंग मेरी हो चुकी थी मतलब, और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना यहाँ पर पानी गिरा लिया है, मैं क्योंकि रेत इतना ज़्यादा था पोचे से तो ना जाने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा चलो एक बाल्टी पानी डाल के पहले इसको मोटा मोटा, मतलब रेत सा निकल जाएगा वो साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर से पोचा लगा दूँगी। तो बस मैंने वही किया था, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है ये फ़र्श। तो बस मैं, जब ज़्यादा रेत हो जाता है ना फ़र्श पे, तो मैं बस ऐसे ही करती हूँ, एक दो बाल्टी पानी मार देती हूँ और फिर वाइपर से साफ़ करके ऊपर से पोचा लगा देती हूँ, तो एकदम से बिल्कुल चमक जाता है फ़र्श और बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या होता है ना, कैसे ही हम नंगे पैर कैसे ही घूम सकते हैं घर में, अगर रेत होता है तो फिर तो बहुत बुरा हाल होता है, हर जगह ऐसे ही लगता है कि रेत ही रेत है। तो बस पानी डाल लिया था और मैं वाइपर पूरे उसमें लगा दूंगी चीज़ों को हटा हटा के। अंदर को झाड़ू पोछा मेरा हो गया था अच्छे से बिल्कुल, तो अब सीढ़ियाँ रहती थी, सीढ़ियों में पहले तो मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सीढ़ियों में भी बहुत ज़्यादा रेत हो गया था,
तो झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद ये ग्रिल वगैरह साफ़ करूंगी और उसके बाद मैं पोचा लगाऊंगी। तो ये क्लीनिंग तो देखिए डेली का ही होता है, बिल्कुल डेली इतना ही रेत, इतनी ही धूल मिट्टी, आजकल तो बहुत बुरा हाल है। तो नीचे तक झाड़ू निकाल आऊँगी पहले तो मैं, और उसके बाद पोचा लगाऊंगी। तो मैंने पूरे घर में अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी बिल्कुल, और अब मेरा जैसे कि डेली रूटीन होता है ये भी, मैं कपड़े हाथ से ही वॉश करती हूँ आजकल, तो सुबह ही भिगो देती हूँ मैं, और तब तक इनका मैल भी गल जाएगा, एक दो घंटा भीगे रहेंगे सर्फ में, तो इसलिए मैं पहले ही कपड़ों को भिगो देती हूँ, फिर बिल्कुल जल्दी ही धो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैंने अच्छे से झाग निकाल उठा लिए थे, कपड़े ज़्यादा नहीं थे और पता भी नहीं चलता साथ के साथ धोने से, क्योंकि आजकल सूखना में तो जल्दी जल्दी ही सूख जाते हैं, धूप भी निकलती है बहुत तेज़ वाली। और आज तो मैं इनके जेब में ना इनका पर्स था वो भी धुल गया होता और उसमें पैसे भी थे, इतना बड़ा कांड कर दिया था आज तो मैंने, बस मैंने उस टाइम देख लिया, मेरे से होता ही है, मैं जेब वगैरह चेक नहीं करती हूँ, वो मेरे को है ना यस के पापा हमेशा बोलते हैं कि तू जेब वगैरह चेक किया कर, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता, और आज भी ऐसा ही कुछ होने वाला था, मैंने उनकी जेब चेक नहीं की और उनकी जेब में ना पर्स था उनका, बस वो तो मैंने देख लिया। और मैं कुछ कैंटीन में से सामान लेके आए थे, हम कैंटीन गए थे लेकिन ज़्यादा सामान तो नहीं मिला था, जो चाहिए था वो नहीं मिला था, क्योंकि ज़्यादा तो ज़रूरत तो सर्फ की थी, सर्फ जब भी जाते हैं ना सर्फ तो ख़त्म ही मिलता है। ये मेहंदी का पैकेट लेके आई थी एक, बस मेरे पास पड़ा था एक, लेकिन मैं सोचा चलो एक ही ले आएँ। ये कुछ चने हैं और टेस्टी है, जो यस की ऑल टाइम फेवरेट होती है और मुझे भी अच्छी लगती है टेस्टी है। और ये रोस्टेड चने थे हींग वाले, बहुत अच्छे लगते हैं ये भी हम दोनों को, यस के पापा को भी अच्छे लगते हैं, तीनों को ही लगा लो। और ये लेके आई थी घी, जोत वगैरह में यूज करते हैं हम ये वाला घी, तो ये घी लेके आई थी एक, और क्योंकि जोत का घी भी कम ही रहता था। चलो एक चीज़ तो मिली, ज़्यादातर तो घी और सर्फ की ज़रूरत थी, सर्फ नहीं मिला। और ये दो वो ले आई थी कपड़े धोने की साबुन, रखी हुई थी पहले, लेकिन चलो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो लेके चलें। और ये थी अगरबत्तियाँ, धूप थी, दो डिब्बे धूप के ले आए थे, बस सामान ज़्यादा नहीं था, यही था, इतना ही सामान लेके आए थे। और एक ये थी चाय पत्ती का पैकेट था एक, बहुत अच्छी आती है कैंटीन में चाय पत्ती, काफ़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी चाय बनती है, तो यही लेके आई थी। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मेरा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो, ताकि ना आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ।